अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं सफदर खान क्यानी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ क्यानी। चैनल पे आप न्यू हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। फ्रेंड्स, आपको पता है हम अपने चैनल्स पे फार्मास्यूटिकल के डिफरेंट ऑपरेशन, SOP और टेक्निकल मैटर्स को डिस्कस करते हैं। ये हमारा चैनल बेस इस चीज़ पर कर रहा होता है, तो इसी से रिलेटेड आज की हमारी वीडियो भी इसी टेक्निकल मैटर्स पे है और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज हम जाएंगे फार्मास्यूटिकल के लेबॉरेटरी में और वहाँ पे अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट HPLC पे, HPLC की ट्रबल शूटिंग में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे जो नॉर्मली एनालिस्ट बहुत ज़्यादा फेस करता है ड्यूरिंग HPLC ऑपरेशन के दौरान। डिफरेंट ट्रबल शूटिंग की हम बात करते रहते हैं HPLC की, तो एक HPLC में बड़ा कॉमन ट्रबल शूटिंग सामने आती है जिसको बेस लाइन नॉइजिंग कहते हैं। तो आज हम देखेंगे कि बेस लाइन नॉइजिंग होती क्या है बेसिकली, और एनालिस्ट नॉर्मली इसको फेस करता है, इसको सॉल्व करने में बड़ा प्रॉब्लम उसको आते हैं और जज नहीं कर पाता। मैं अक्सर कहता हूँ कि HPLC की जो ट्रबल शूटिंग है उसको सॉल्व करना अपने एंड से मैक्सिमम ये एनालिस्ट की एक्सपर्टीज में शामिल होता है। HPLC बेस लाइन नॉइजिंग जो है बेसिकली, जब भी इसका सवाल आए, आप जब भी नॉइजिंग देखते हैं तो ये बेस लाइन के अनस्टेबल कंडीशन को शो कर रहा होता है। जब भी इस तरह के रीज़न आए, आपके जहन में दो सवाल सबसे पहले आते हैं। सबसे पहले आपने जो जज करना होता है, आपने देखना होता है कि HPLC की जो बेस लाइन नॉइजिंग है ये नज़र किस तरह की आ रही है, उसकी अपियरेंस क्या है, किस टाइप की आ रही है। याद रखिए कि नॉइजिंग दो एंड से होती है हमेशा और दो तरह की होती है। एक होती है पीरियोडिक नॉइजिंग, पीरियोडिक बेस लाइन नॉइजिंग, जिसको हम यूनिफॉर्म नॉइजिंग भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरी होती है रैंडम नॉइजिंग। जब आप ये जज करना सीख जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, फिर आप उसके रूट कॉज में चले जाएंगे इजीली, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने में आपको आसानी हो जाएगी। जो पीरियोडिक नॉइजिंग होती है, जिसको हम यूनिफॉर्म नॉइजिंग कहते हैं, हमेशा बिल्कुल तरतीब से चलती है। और HPLC के पूरे मॉड्यूल की बात करें तो उसमें पीरियोडिक लेवल सिस्टमेटिक अलाइन जो है वो आपका पंप चल रहा होता है। आपका HPLC का जो पंप है ना, वो बिल्कुल पीरियोडिक लेवल में चलता है, पीरियोडिक में बिल्कुल अलाइन कंडीशन में चलता है। उसके पिस्टन रिंग स्ट्रिंग इस तरह चल रहे होते हैं। तो जो पंप का जो आपका रिलेशन है, जो आपकी जो अगर पीरियोडिक नॉइजिंग जो है, या जिसको यूनिफॉर्म नॉइजिंग कहते हैं, इसकी अपीयरेंस हमेशा याद रखिए बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में, पीरियोडिक वे में चलेगी, ऐसे जाएगी बिल्कुल पीरियोडिक वे में, ठीक है। समझिए, इस तरह की जगह आपके पास बेस लाइन नॉइजिंग आ रही हो, इसका मतलब है इसका डायरेक्ट रिलेशन आपके पंप से। तो आपने सबसे पहले क्या चेक करना है, ये शो करती है कि आपके पंप की सील्स लीकेज है, यानी आप अपने पंप पर जाके लीकेज चेक करें। जब आपकी पीरियोडिक नॉइजिंग आएगी, बेस लाइन पीरियोडिक नॉइजिंग आप शो हो रही है, अगर आपने जज कर लिया, जो दोनों टाइप की मैं आपको बता दिए, आपने जज कर लिया कि पीरियोडिक नॉइजिंग है, तो डेफिनेटली आप पंप पर जाएंगे, पंप की सील चेक करेंगे। आपके पंप की जो सील्स है वो लीक है, और यानी पंप के अंदर इंटरनल लीकेज आ रही है, जिसकी वजह से आपकी पीरियोडिक नॉइजिंग आ रही है, ठीक है। ये सबसे पहला पॉइंट है, और आपने उस लीकेज को सॉल्व कर लिया तो आपकी ये पीरियोडिक नॉइजिंग जो है ये सॉल्व हो जाएगी सबसे पहले। दूसरी टाइप की जो नॉइजिंग होती है उसको हम कहते हैं रैंडम नॉइजिंग। इसकी अपीयरेंस भी मैं आपको स्क्रीन शॉट पर दिखा रहा हूँ, और आप मेरे वीडियो की स्क्रीन पर आप देख लेंगे। इस टाइप की जो नॉइजिंग होती है उसको हम कहते हैं रैंडम नॉइजिंग। इसकी ये कोई पीरियोडिक लेवल पे नहीं होता, कोई अलाइन नहीं होती, यूनिफॉर्म नहीं होती, ये बिल्कुल यूं यूं बेतरतीब, यूं यूं अनअलाइन चल रही होती। तो इस टाइप की जो नॉइजिंग आप देखते हैं, जिसको हम कहते हैं रैंडम नॉइजिंग, इसका डायरेक्ट रिलेशन आपके डिटेक्टर से होता है, ठीक है। तो इस तरह की नॉइजिंग जब भी आप फेस करेंगे, ये इंडिकेट कर रही है कि आपके या तो जो लैम्प है डिटेक्टर का, उसके आर्स डाउन हो गए, उसके आर्स जो उसका टाइम है वो बहुत कम हो गया, गिर रहा है, उसके आर्स डाउन हो गए, या फिर आपके जो फ्लो सेल है उसमें क्रैकिंग आ रही है। ये दो रीज़न मेनली होते हैं। जो मेन रीज़न इसका हुआ है वो है, यानी आपका जो लैम्प का जो आवर्स है वो कम हो गए, तो आप फौरन अपने लैम्प के आवर्स चेक करवाएं, इंटरनल सोर्स से जो आप करते हैं उसको डिटेक्ट करेंगे, तो आपकी ये रैंडम नॉइजिंग कम खत्म हो जाएगी। पहला रीज़न हमने क्या बताया था, पंप से रिलेटेड है। दूसरा रीज़न आपका डिटेक्टर से रिलेटेड है, यानी बेस लाइन नॉइजिंग जो है वो किस वजह से आती है। सबसे पहला रीज़न यानी आपका पंप हो सकता है या आपका डिटेक्टर हो सकता है। आपने सबसे पहले जज करना है जो आपका क्रोमैटोग्राफ पे नॉइजिंग शो हो रही है वो है किस तरह की। अगर रैंडम आ रही है इसका मतलब आपका डिटेक्टर है, डिटेक्टर में इशू आ रहा है। अगर रेगुलर आ रही है, पीरियोडिक नॉइजिंग आ रही है, तो ये डायरेक्ट कोरिलेट कर रही है आपके पंप से, यानी आपके पंप में इंटरनल लीकेज है आपके पंप की चीज। दोनों एंड से इनको आप जज कर लेंगे, पकड़ लेंगे, जैसे ही आप इनको प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आपकी बेस लाइन नॉइजिंग सॉल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये है बड़ा क्रिटिकल पॉइंट थे, बहुत अक्सर एनालिस्ट में प्रॉब्लम फेस करते हैं कि बेस लाइन नॉइजिंग कैसे हम सॉल्व करें, वो कैसे किस तरह इसको सॉल्व करें, कैसे जज करें। मैंने बड़े सिंपल वे में आपको दोनों के जेन्युइन रीजन बता दिए बेस लाइन नॉइजिंग आने के क्या क्या वजह होती है।
क्लोज करते हैं इस वीडियो को यहाँ पे, इंशाल्लाह फिर किसी और टेक्निकल बात के साथ, टेक्निकल मैटर के साथ आते हैं। उस वक्त तक के लिए इजाज़त, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।